कितना रश है सऊदी में भी फास्ट फूड की जगह। ओ भाई अपना इंडिया का गूगल पे चलता है इधर, मतलब सऊदी ऐसा है मुझे नहीं पता था। फाइनली मेरे को हमर दिखे इतने 3 हफ्ते बाद, मैंने हमर देखी क्योंकि मेरे को हमर बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है जैसे कि फरारी, पोर्शे एटसेट्रा, लैम्बोर्गिनी। हम यहाँ इसलिए रुकेंगे कि यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रीट में हमें वेज खाना नहीं मिला। ये गाड़ियाँ देखो भाई, लिमोजिन कितनी लंबी है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब, हम एकदम बढ़िया और अभी बहुत ही रेडी शेडी होके तैयार हुए हैं और अभी बज गए हैं रात के कितने बज रहे हैं, 9:15। तो 9:15 ये भी रेडी हो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, हो गए हैं। यो, वी आर गोइंग टुडे टू एक्सप्लोर रियाद। तो हम आज पहली बार कहीं बाहर, मतलब किसी स्पॉट पे घूमने जा रहे हैं। अभी तक तो मैं मॉल्स में गई हूँ ना, एक ही मॉल में गए थे लुल्लू और आज हम जा रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं देखा तो यू आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे और हम लोग इसलिए शाम में जा रहे हैं, रात पे जा रहे हैं क्योंकि रियाद में गर्मी है, ऑल ओवर इंडिया में भी गर्मी है, मिडिल ईस्ट पूरा गर्म है, तो रात में ही यहाँ पे नाइट लाइफ ही होती है। तो मतलब 4-5 बजे तक सुबह तक सब लोग होते हैं क्योंकि कल भी सैटरडे है, आज फ्राइडे है, तो पूरा छुट्टी वीकेंड रहता है। फ्राइडे सैटरडे यहाँ वीकेंड होता है। बात है कि यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है एंड संडे इज अ वर्किंग डे। यस, सो आज हम इसलिए जा रहे हैं फ्राइडे ताकि हम आराम से 2-3 बजे आएंगे, मस्त फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह 12 बजे उठेंगे। अभी भी हम सो के ही उठे, मतलब 3 बजे सोए थे और 6 बजे उठे ताकि हम रात में जल्दी ना सोए और जल्दी नींद ना आए। तो चलो जल्दी चलते, ज्यादा बातें नहीं। तो हम जा रहे हैं थालिया स्ट्रीट। थालिया स्ट्रीट में एक ही बार गया हूँ तो वहाँ मतलब इट्स लाइक मतलब वो फॉरेन की वाइब देता है, बाकी सऊदी तो थोड़ा इंडियन वाइब देता है। काइंड ऑफ स्ट्रीट है ऐसा, मतलब बहुत लंबी, काफी कुछ खाना पीना सब। और जो मेन सऊदी का किंगडम टावर है वो भी वहीं पे है। तो चलो आपको दिखाते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गो। बिल्डिंग है सारी सारी और उनपे ब्लू रेड ग्रीन ऐसे लाइट्स लगाई हुई जो की बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। और आपको दिख रहा होगा मेरे थोड़े से बाल उड़ रहे हैं, ये कोई हवा नहीं चल रही है, लू चल रही है। सो यहाँ पे अभी है 41 है अभी रियाद में टेम्परेचर। yes. और अभी टाइम हो गया 9:30। हाँ, तो चलो अभी हम अभी एक्चुअली हम लोग यहाँ उतरे थे तो यहाँ से अभी पूरी थालिया स्ट्रीट आगे जाके है। और मेरे लिए, मैं सेकंड टाइम आया हूँ थालिया स्ट्रीट तो मुझे बहुत ही अच्छी वाइब दिख रही है क्योंकि मैं यहाँ तक नहीं आता, मैं थोड़ा आगे तक ही गया था दोस्तों के साथ कॉफी वॉफी पी। मुझे ऐसा फील होता है कि सऊदी की रॉयल्टी देखनी ना। हाँ, कार्स भाई पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ब्यूटीफुल कार सऊदी में, इनफैक्ट दुबई में भी नहीं है तो यहाँ पे बहुत अच्छी। हाँ वो ये स्कूटर्स हैं, यू कैन सी, ये आई डोंट नो किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ये कितने के मिलते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ और फिर इसका पेमेंट भी वहीं से करना है। पेमेंट होता है गूगल पे। ओ भाई अपना इंडिया का गूगल पे चलता है इधर, सही है। हाउ टू यूज स्कूटर भी दिखाया हुआ है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो ये जो पानी है, हाँ ये जो पानी है ये एक्चुअली बहुत गर्मी है ना तो इस वजह से ये पानी का स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ पे अगर यहाँ खड़े रहोगे बहुत ठंडा ठंडा लगेगा आपको। तो ये पूरे थालिया स्ट्रीट में ये सब इस तरह से चल रहा है, पूरे थालिया स्ट्रीट में हर कैफे में ये लगा हुआ है तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ ओपन कैफेज भी है यार, बहुत बड़ी बात। गर्मी में 41 डिग्री में और हमें गर्मी एक्चुअली नहीं लग रही इनके सामने खड़े होकर। यस, वैसे सही है। और हम अभी वॉक ही कर रहे हैं। यहाँ पे वॉक करना बहुत ही सही चीज़ है बिकॉज आप अपना स्मार्ट वॉच डालो और यहाँ पे 10,000 स्टेप ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि इतना रौनक मेला है तो टाइम ऐसे बीत जाता है। यहाँ पे ये सेक्शन आ गया लाइक ओ लिवाइज तो ब्रांड तो हर जगह, मतलब यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, गाड़ी की पार्किंग कैसे होती है, मतलब क्यूट है, इस बैरियर के आगे आप नहीं आ सकते हो। और यहाँ बैठने के भी पूरा, हाँ मतलब सिटिंग वगैरह भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स में यहाँ कितना सही होगा ना। अभी तो आए थे विंटर्स में, मैं मार्च में आया था तो काफी ठीक था, वेदर बहुत अच्छा था तब। ये हम फैन वैन की जरूरत नहीं पड़ती, ओपन ऑल यू कैन इजीली यू नो अकोमोडेट की कैसे रहता है, बट फॉरेनर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यार। बाहर के लोग ज्यादा दिखेंगे यहाँ पे। हाँ ज्यादातर बाहर के लोग ही हैं।
जिन्होंने यहाँ पे मतलब पर्सनल व्हीकल भी लिया हुआ है और मस्त यहाँ पे तो गाड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। सो गाइज हमें यहाँ पे फाइनली समृद्धि को दिख गई हमर। कैसा लग रहा फर्स्ट टाइम हमर को देख के? मैं बहुत थक गई हूँ यार। थकावट नहीं, गर्मी है ना यार। तो ये देखो भाई, हम आई थिंक आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तो चले होंगे। हाँ चल चुके हैं। फाइनली मेरे को हमर दिखे, इतने तीन हफ्ते बाद मैंने हमर देखी क्योंकि मेरे को हमर बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है जैसे फरारी, पोर्शे एटसेट्रा, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी बहुत है इत्थे पंजाब से। दिखाने तो दे मुझे अच्छे से, मैं हट जाती हूँ। यहाँ इतने सारे कैफेज हैं कि हम देख देख के समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। फिर सोच रहे थोड़ा आगे चलते थोड़ा आगे चलते, क्योंकि भूख भी इतनी अभी नहीं है, बस प्यास लग रही है। बट एम्बियंस बट बहुत ही सही है। बस यहाँ पे एक वो है कि हमें चलना ही पड़ता है। नहीं वो स्कूटर ले जाते हो, बट ये ठीक है फर्स्ट टाइम चलो। गिर जाएगा थोड़ी, मत गिरना तो एक अलग बात है। इतना रश है सऊदी में भी फास्ट फूड की जगह। तो हमने लिया एक पानी, ये एक रियाल की बोतल है जो इंडिया में 10 रुपए की मिलती है, मतलब यहाँ 23 रुपए की, 22.5। पानी बहुत ज्यादा, थकावट, वो गर्मी है ना। यहाँ पे लाइन कितनी लगी है भाई, ये किस चीज की लाइन है यार? चल रहा है कुछ आइसक्रीम वगैरह मे भी, चलो कॉफ़ी पीते कहीं पर। तो गाइस हम लोग फाइनली एक जगह पे रुके हैं एंड दैट इज शुक्रान, माफ़ी मुश्किल। सो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं ऑपरेशन फलाफल। एक्चुअली क्या है ना स्मृति बता, क्यों रुके हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ इसलिए रुकेंगे कि यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रीट में हमें वेज खाना नहीं मिला। एक ऐसी प्लेस है जो इनको पता था क्योंकि पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक फलाफल मिलता है, मतलब काइंड ऑफ रोल है ना, जो कि वो वैसा नहीं होगा जैसे इंडिया में, यू नो फ्राइड नहीं होगा। हाँ, बट एक स्वाद है, हेल्दी काइंड ऑफ थिंग्स ही मिलती हैं। सो वो हम इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और तो बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सो आपको दिखाते और मिर्जापुर की वाइफ चल रही है। हेलो ब्रदर। तो हमने ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है और मैंने एक्स्ट्रा ग्लास बोला, कितनी सही बर्फ दी है भाई, इतनी ज्यादा बर्फ, मतलब कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट लग रहा है दारू थोड़ा नमी नहीं है। सही में, बट इट्स ब्यूटीफुल, ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और यहाँ पे ये लाइट्स भी दी हुई है। तो हमने मंगवाया फलाफल और कोल्ड ड्रिंक। या इट्स क्यूट, इट्स वेरी क्यूट, थैंक यू। सो ये फलाफल आ गया है। वेज सब वेज ऐसा होगा है। तो गाइज हम लोग आए हैं अभी कॉफी पीने, कॉस्टा कॉफी सी। हमने ली और चॉकलेट। आज हमें फलाफल बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या हमने बैंगन सा डाल दिया था ना, बैंगन डाला था पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे कुछ फलाफल या ऐसा जो रैप होता है ना, बैंगन कौन डालता है यार। मैंने जब खाया था तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने बताया कि स्पेशल वन जो है वो मतलब बैंगन वाला है, जो रेगुलर बैंगन वाला स्पेशल वन है, मतलब इतना पसंद है लोगों को बैंगन। मुझे मैं जब मतलब लास्ट टाइम मैंने खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे इस बार बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसलिए हम अब आए कॉफ़ी पीने। और ये है कॉस्टा कॉफ़ी, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ का कॉस्टा कॉफ़ी दिखा देता हूँ मैं आपको। पिछली बार मेरा मुंह जल गया था, इसलिए आराम से पीना। लुक एट दैट कार, ओह माय गॉड, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। फरारी। अभी अपने कॉफी के बाद अभी बज रहे हैं रात के सवा बारह और यहाँ पे पूरा मस्त सब कुछ चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है, मतलब इतना ट्रैफिक है। ये 12 बजे का ट्रैफिक है रियाद का, देखो भाई कितना ट्रैफिक है। एंड देयर इज दैट टावर। और हाउ इज लाइक स्मृति, कैसा लग रहा है? बहुत सही, मैं तो खा पी के थक भी गई हूँ और बहुत लो साउंड कर रही हूँ। हम लोगों को आदत नहीं है। अभी इंडिया में बज रहे हैं देखो 2:45, इंडिया के 2:45 और यहाँ के 12।
और यहाँ की कार्स जिस मैंने आपको दिखाई बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। तो चलो अभी वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फिर चलेंगे। और ये खड़ी है ब्रोंको 4x4। नहीं नहीं, तो यहाँ पे लगी है हार्ले, पूरा हार्ले का ग्रुप आया है। ये भी हार्ले खड़ी है, और ये देखो ये भी हार्ले खड़ी है, ये भी हार्ले खड़ी है। ये गाड़ियाँ देखो भाई, लिमोजिन भाई कितनी लंबी है। ओ वाह, मतलब यहाँ पे सारी की सारी कार्स बहुत ही लॉन्ग है, उस साइड भी और अंदर शोरूम के अंदर। हाँ, और ये देखो लैम्बोर्गिनी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी पीछे खड़ी है अपनी बेंटले, और ये जीएमसी है। हाँ कैंपर वैन है ये, कार डिप। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग रिद्धि। हे गुड मॉर्निंग। बट यहाँ पे तो हम आफ्टरनून हो चुकी है बिकॉज हम लेट उठे हैं, और मैं अभी बादाम खा रहा हूँ। और यहाँ पर कल हम रात में आए थे तो हमने ना कुछ खाया नहीं था, बट अभी अब बन रहा है बहुत ही डिलीशियस हलवा पूड़ी। तो ये बन रहा है हलवा, और हमने चढ़ाया ये चाय, और साथ साथ में स्मृति ने ये जो आटा गूंदा था, ये कल परांठों का आटा था, तो उसके हम बनाएंगे आज पूड़ियाँ। हार्ड हो गया था। हाँ, कैसा फील हो रहा है पहली बार सऊदी में हलवा बनाने का? मजा मेरा तो बड़े दिन से मन था, लेकिन अब ऑयल नहीं ला रहे थे। ऑयल नहीं ला रहा था, अरे पूड़ी के लिए। अच्छा, तो अभी सोचा कि जो इंडिया से लाए उसी से काम। यस, तो हमने ना हमने क्या किया था, हमने ना आटा 2 किलो लाया था इंडिया से, और आई थिंक 2 लीटर सरसों का तेल लाया, और उसके बाद हमने थोड़ी सी सूजी लाई थी, आधा किलो बेसन, थोड़ा सा पोहा, तो उसी में गुजारा कर रहे हैं। टेस्ट कर रही है कैसा? मैं इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे नाप के नहीं बनाया मैंने। और यहाँ पे ना गाइस क्या होता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक गैस होती है, आप देखो ये इलेक्ट्रिक गैस है, और ये सबसे डेंजरस होती है, डेंजरस चीज है ना। इस पे गाली निकालने लगी थी यार, पता है क्या? सबसे चल चल मतलब इसमें फुल पे रखो तो जल जाता है, और कम पे रखो तो बकता ही नहीं है। मतलब तो ये इसमें यहाँ पे 2 ही गैस है, तो हमने अभी पूड़ी भी बनानी थी, बट पहले चाय बन रही है। तो ये सब है, और ये है मेरी बॉटल जो मुझे समृद्धि ने दी थी। तो अभी चलो चलते हैं, बनाते हैं हलवा और फिर देखते हैं कैसा है। और कुछ बताना है? और पूड़ियाँ बनाएंगे तब दिखाते हैं आपको कैसी पूड़ियाँ बन रही हैं। तो हमारी फाइनली फर्स्ट पूड़ी रेडी हो गई है। अच्छी नहीं बन रही, बेइज्जती ना। बस कर, अच्छी बन रही है, इंडिया में थोड़े ना। तो और ये हमने बनाई है इसकी मस्टर्ड ऑयल की, एक्चुअली यहाँ रिफाइंड ऑयल मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे नहीं खाना रिफाइंड, तो मैंने कहा समृद्धि इसी में बना ले जितना भी है। तो ये हमने पूरा 100 ml पूरा डाल दिया, और इसमें बन जाएंगी कोई 4-5 पूड़ियाँ। नहीं सारी बन जाएगी। हाँ मतलब इतना आटा भी नहीं, आटा कितना ज़्यादा खाना भी नहीं है। यो यार कम है ना ऑयल। ठीक है यार, I cannot wait, I cannot wait bro, जल्दी जल्दी बनाओ। और ये जो है ना कढ़ाई, ऑल दो हम चीनी नहीं खाते हैं, तो हमने ये चीनी लेके आए थे, लेकिन यहाँ से 5 रियल की है ये, इसी के लिए लाए। हाँ हलवे के लिए लाए थे, और शाम में बनाएंगे हम राजमा चावल, ये रखे हैं राजमा कल से ही। और ये हमने फिर से बनाया अपना पनीर सेकेंड टाइम यहीं पे दूध से। इस बार तो ऐसा हो गया था कि पनीर बन ही नहीं रहा था, मतलब इतना पूरे दिन सुबह से शुरू हुई थी मैं पनीर बनाना, और रात हो गई थी, और रात में जाके पनीर बना। यस, इट्स डिफिकल्ट, बट कोई नहीं, बन गया। और अब हम पियेंगे चाय और खाएंगे पूड़ी हलवा। चाय बन रही है साथ साथ में। यो वीकेंड गोइंग वेरी फाइन। और यहाँ की ब्रेड देखो भाई कितनी लंबी ब्रेड है, ऐसे दिखाऊं क्या? तो फाइनली सब कुछ बन गया है, ये है हमारा हलवा, ये देखो जी भाई हलवा बन गया है, कोई कलर वलर नहीं है हमारे पास, हमने देसी हलवा बनाया। और ये है पूड़ियाँ, एक परांठा कल का बचा था आलू परांठा, तो वो रखा है, और इसके नीचे सब पूड़ियाँ हैं, और हमारी है यहाँ पर चाय, दिस इज चाय यू कैन सी, और यहाँ बिस्किट बिस्किट पड़े हैं, तो उसको ढकी है मैंने। और फाइनली हमारा खाना बन गया, थैंक यू सो मच समृद्धि, वेलकम। थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो बनाना है ना, तेरा फर्ज है पति को खिलाना। नो वर्ड्स। क्यों? कैमरा के आगे मैं कुछ नहीं। अच्छा, तो कैमरा के पीछे कितना कुछ कहती है।
तभी तो चलो यार खाए, मस्त भूख लगी है मस्त। और तो चलो ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं और आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं। अभी हम शांति से खाते हैं और ये दिन एंजॉय करते हैं। इसके आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। बाय बाय। इसके आगे का व्लॉग, इसके आगे की चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बहुत। यस, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।